आपको लगता है, सच्ची मुझे बताइए, मन का आंसर बताइए, ऐसा नहीं बना बनाया नहीं, मन से बताइए, आप गोरखपुर में कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, आपको लग रहा है आप जीत जाएंगे? सिंपल यस और नो, जब अकेले आप सोते हैं ना, क्या लगता है कि ठीक है बहुत जीत जाऊंगा? देखो मैं बहनों से झूठ नहीं बोलूं, हाँ सच में नहीं बोलिए, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ योगी आदित्यनाथ हो सकता है कि चुनाव से पहले चुनाव ना लड़ने की बात कह दें, और हो सकता है अगर चुनाव हो तो योगी आदित्यनाथ चुनाव हार जाए। कौन है चंद्रशेखर आजाद, एक छोटा सा बायो ही दे दीजिए अपना पब्लिक के लिए। चंद्रशेखर आजाद कोई नेता परिवार से नहीं, राजनीतिक परिवार से, और ना ही चंद्रशेखर आजाद किसी पैसे वाले के पैसे वाले परिवार से, किसी बहुत बड़े 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 बहुत बड़े रईस के बेटे हैं। प्राइमरी स्कूल से पढ़ के आए, गांव में रहने वाले हैं, छुटमलपुर एक गांव पड़ता है डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, पहले हाई स्कूल इंटर तक की पढ़ाई की, फिर ग्रेजुएशन की, फिर लॉ किया उत्तराखंड में जाके, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो पढ़ती है, DAV कॉलेज फेमस कॉलेज है, उसके बाद बहुजन आंदोलन में काम किया माननीय काशी राम साहब जी के नेतृत्व में, उनको नेता माना, फिर उसके बाद अचानक एक घटना से पूरा रास्ता बदल गया, जब इलाज अच्छा इलाज न मिलने के कारण चंद्रशेखर आजाद ने अपने पिता को खो दिया, और फिर चंद्रशेखर आजाद ने तय किया कि अब कोशिश करनी है कि कोई और चंद्रशेखर आजाद इसलिए अनाथ ना हो जाए, इसलिए जो है उसके पिता ना चले जाए क्योंकि उस पर इलाज के लिए पैसे ना हो, या फिर और कोई चंद्रशेखर आजाद जो अपने पिता के ट्रीटमेंट से पहले अमेरिका पढ़ने के लिए जाने वाला था, उसके सपने इसलिए चकनाचूर ना हो जाए कि वो जो सारी सुविधाएं या सारे संसाधन जो है वो इलाज में खर्च हो जाए। तो 11 जनवरी 2013 को सुबह 4 बजे मेरे पिताजी मुझसे दूर हुए, एक पल के लिए कि सब लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, दूसरे पल के लिए लगा कि एक सपना एक संकल्प मिल गया है, एक लक्ष्य मिल गया, उसको पूरा करना है। और वो दिन और आज का दिन है, शायद पूरे देश में मुझसे ज़्यादा किसी ने जो है आंदोलन किए हों, हमारी यूनिट से ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा कोई जेल में रहा हो, मुझसे ज़्यादा मुकदमे किसी के ऊपर लगे हों, और मुझसे ज़्यादा कोई भी इंसिडेंट जो पूरे देश भर में हुआ हो, जो वहाँ की किसी भी सरकार ने आम लोगों पर ज्यादती की हो, चाहे किसानों पर, मजदूरों पर, महिलाओं के खिलाफ कुछ हुआ हो, कोई भी मामला हो, चाहे नौजवानों ने रोजगार के लिए आवाज़ उठाई हो, चाहे SSC GD के बच्चे हों, या फिर जो है 29 शिक्षक भर्ती के बच्चे हों, या कहीं का भी कोई वो हो इंसिडेंट, चाहे दिल्ली का मामला हो, अब तो मेरे साथ ही हाथरस में कितना बड़ा मामला हुआ, तो मैं हमेशा खड़ा रहा और मैंने तय किया कि अब इसको बदलना है। एक तरफ पैसे वाले परिवारवाद से जो पिताजी मुख्यमंत्री, बेटा जो है मुख्यमंत्री, या पिताजी MP, बेटा MP, उसके बाद फिर बहू MP, फिर उसके बाद पोता MP, विधायक विधायक, इस तरह एक लंबे समय चला आ रहा है उस सिस्टम को, जो एक मतलब एक तरह से कब्जा करके बैठा हुआ, उसको रोक के एक अच्छे लोगों को तैयार करके राजनीतिक व्यवस्था में शामिल कराना, उनको बताना राजनीतिक शक्ति क्या होती है। तो नेता माना है माननीय साहब श्री काशीराम साहब को, और उनके रास्ते पर चल रहा हूँ कि जो लोग राजनीतिक चेतना जिनमें जागरूक हैं उनको तैयार कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश और देश में तैयार हो जाए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि हम प्रथम रणते भारतीय हैं। आज भारत के जो हालात हैं वो भारत माता की जय के नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, उसको सुधारना पड़ेगा, उसको उन लोगों को सुधारना पड़ेगा जिन लोगों को इस दर्द को जो लोग महसूस कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश और देश में रहने वाली सभी बहनों का भाई। और मैं बहुजन आइडियोलॉजी पर काम करता हूँ, जो इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं जिनके पास राजनीतिक शक्ति नहीं। अच्छा, जात जो है, जो कास्ट है, वो आपको कब हिट किया कि अच्छा ये भी होता है कि वो ब्राह्मण होता है, अच्छा ये दलित होता है, इस तरीके का होता है? तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है आपको अपनी लाइफ में कब फेस करने मिली कि आपने तय किया कि लीडर बनूंगा, पॉलिटिक्स में आऊंगा, इसको ठीक करूंगा? जब मैं स्कूल के डेज में गया, कक्षा 6 की बात है, बहुत पुरानी बात है, और 6 से भी पहले आप करोगे तो मैं समझता हूँ कि घर के अंदर से जब आप बाहर निकले और आप बाहर की आओ हवा में गए, व्यवहार में गए, तब आपको इसका सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि जाति एक सच्चाई है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। मेरे आज भी याद है, मैं स्कूल में था और मैंने एक टीचर के लिए, क्योंकि वो क्लास में पढ़ाने नहीं आए, उसके लिए मैंने उनसे कहा अपने प्रिंसिपल से कि टीचर्स नहीं आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो वो टीचर्स गुस्से में आए और एक डंडा लेके सबको पीटा उन्होंने, और बेसिकली उनको पता लगा कि शिकायत किसने की है, तो मुझे तो पिटाई के साथ साथ उन्होंने मुझे दो कुछ शब्द कहे जो मैं
वीडियो में कह भी नहीं सकता हूँ, कड़वे सत्य है। क्या शब्द है? हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि ये जो है सिर्फ वजीफा लेने के लिए आता है, इनको पढ़ने उड़ने से कोई मतलब, जाति पे गाली देके इस तरह से वजीफा लेने आता है, स्कॉलरशिप। अच्छा अच्छा। हाँ, उस समय वंचित वर्ग के बच्चों को राशन भी मिलता था 3 किलो के लगभग, और मेरे पिता तो प्राइमरी स्कूल में टीचर थे तो मुझे नहीं मिलता था, तो हमें इस बात की जानकारी नहीं थी। लेकिन जब उस दिन गुरुजी ने बताया तो एहसास हुआ कि भाई एक छोटे से बच्चे को जब क्लास में आप इस तरह की बातें करते हैं, फिर आप जैसे लगातार मैं बड़ा होता गया तो मैंने महसूस किया कि देखो हमारी एक क्लास है जिसमें हमारे साथ पढ़ने वाली लड़कियां भी हैं, लड़के भी, उस बीच में क्लास में आपको कोई टीचर उठा के कह देता है इस तरह की बात, या आप जाते हैं गांव देहात में घूमते हैं तो वहाँ इस तरह की बात आ जाती है कि भाई देखो वो तो उस जात के लोग हैं, और तमाम तरह से। अब फिर उसके बाद जैसे बड़े होते गए, पढ़ने का मौका मिला, फिर ज़्यादा समय पिताजी के साथ रहने पर सीखने को मिला, जब उन्होंने अपने किस्से बताए कि जब वो टीचर होते हुए कहीं पढ़ाने के लिए गए तो उस गांव के लोगों ने कहा कि ये आपका गिलास है, आपको इसको संभाल के रखना है, आज के बाद चाय इसमें आया करेगी। तो आपके हिसाब से कास्ट होनी नहीं चाहिए? होनी नहीं चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कभी होनी नहीं चाहिए थी ना। और ये जिन लोगों ने बनाया उन्होंने बांट दिया चीजों को। देखो लोग, मैं ये कहता हूँ जब मैं प्रयास करता हूँ कोई बात कहता हूँ तो एक बड़ा अपर कास्ट के लोगों की तरफ से एक रिएक्शन आता है कि आरक्षण व्यवस्था ने देश को कमजोर कर दिया। तो मैं उनसे अक्सर ये मेरा ये सवाल रहता है, आरक्षण है क्यों इस देश में? आरक्षण जाति आधारित है ना कि आर्थिक आधार पे, कि जाति के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन होता है, जाति के हिसाब से शोषण होता है। तो जाति आधारित उन लोगों को जिनको लंबे समय से अधिकार वंचित रखा है उनको आगे बढ़ाने के लिए उनकी भी हिस्सेदारी हो जाए, क्योंकि अगर एक ही विचारधारा के सोचे पूरे देश में बीजेपी की विचारधारा के लोग हो जाए तो जो बीजेपी की विचारधारा सहमत नहीं है, ये लोकतंत्र की बात, तो उन लोगों का क्या हाल होने वाला है? जैसे अभी हुआ भी, जैसे किसान कानून पास हुए तो विपक्ष विरोध करता रहा और वो मार्शल के दम पे सब चीजें हो गई, तो यानी कि अलग अलग विचारधारा का होना जरूरी है, तो अलग अलग समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व भी जरूरी है। वरना अगर एक थाने में या एक दफ्तर में एक ही जाति के लोग हो जाएंगे तो क्या दूसरे जाति के व्यक्ति को न्याय मिल जाएगा? तो मैं समझता हूँ प्रतिनिधित्व का मामला है, इसलिए वो लोग मुझसे कहते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि इसका बहुत आसान तरीका ये है, आप जाति का प्रिविलेज लेना बंद कर दीजिए, आप कहिए कि हम जाति विहीन समाज चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर भी यही बात कहते हैं एलिनेशन ऑफ कास्ट में कि जाति होनी चाहिए। जब लोगों को यही नहीं पता कौन किस जाति का, तो आरक्षण किस जाति को मिल जाएगा? जब हम सब लोग जाति से ऊपर उठ के भारतीय हो जाएंगे तो फिर क्या ढूंढते फिरेंगे कि कौन है? फिर तो सब चीज बदल जाएंगे। तो ये जात पात हटाई देना चाहिए, कास्ट बिल्कुल हटा देना चाहिए। जब किसी की कोई कास्ट ही नहीं होगी तो रिजर्वेशन की बात नहीं होगी, कोई इसका प्रिविलेज ले ही नहीं पाएगा, ले नहीं पाएगा तो रिजर्वेशन की बात, फिर कर्म प्रधान हो जाएगा ना। तो मैं समझता हूँ जब देश आजाद हुआ तब भी यही हुआ कि जो पैसे वाले थे वो पैसे वाले रह गए और जो अधिकारों से सुविधाओं से वंचित था वंचित ही रहा। आज उन्हीं के लिए तो डेमोक्रेसी के अंतिम व्यक्ति को सुविधाएं मिल जाए। लेकिन आप समझे कि आज भी सरकारें कहती है कि हम राशन दे रहे हैं और हम नमक दे रहे हैं, देखिए कितना क्या बुरा हाल है, हम दाल दे रहे हैं, चना दे रहे हैं, तो आप समझिए कि आज भी नहीं मिला है। गरीबी हटाने के नारे के साथ गरीबों को हटाने के नारे को बढ़ावा दिया गया और आज भी लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। उनके लिए वो सुविधाएं जो अमीरों को मिली है उनके लिए सिर्फ सपने हैं और ये नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं कि हमारे देश में रिसोर्स नहीं है, छोटी बहन बहुत रिसोर्स है, लेकिन आप समझो तो सही राजनीति क्या है। एक आदमी जो MLA बनता है वो 50 करोड़ का मालिक हो जाता है 5 साल में, जैसे उसने कोई नया बिजनेस खोल लिया। एक आदमी जो MP बनता है वो 100 करोड़ का मालिक हो जाता है, कई फैक्ट्री का मालिक हो जाता है, कई फार्म हाउस हो जाते हैं। तो इस राजनीति को आप क्या समझते हैं, कि वो राजनीति कर रहा है, लोग जनता की सेवा कर रहा है या वो कोई बिजनेस कर रहा है? भाई बिजनेस में तो आपकी आमदनी बढ़ रही है ना, अगर आप जनमानस के काम करोगे तो आपकी आमदनी घटेगी, जब आप किसी की मदद करोगे आपके पैसे कम होंगे। तो ये जो भ्रष्टाचार की राजनीति ना, मुझे इससे नफरत होगी। मैं समझता हूँ कि सबको अवसर मिलना चाहिए और जो कहे, जैसे आज मैंने कोई घोषणा पत्र जारी किया, मुझे अवसर मिला, मैंने उसको पूरा नहीं किया, तो जनता क्या करे? जनता इंतजार देखे दूसरे चुनाव। उससे अलग होना ही चाहिए कि जब मैंने घोषणा पत्र नहीं, मेरा शपथ पत्र होना चाहिए, और मैं नहीं करता तो वो कोर्ट जाके चैलेंज करा के मेरी सरकार को बर्खास्त करा दे। आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत स्ट्रांग है आज़ाद, और आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, आपके थॉट्स बहुत क्लियर है, बहुत बुलंद थॉट्स है। पर मुझे एक बात बोलेंगे, ऑफेंड मत होइएगा, गुस्सा नहीं होइएगा, मेरा ऑब्जर्वेशन है ये, और मेरे को बिल्कुल, हम सब कहाँ, हम लोग छोटे पत्रकार, आप लोग सब इतने बड़े पॉलिटिशियंस हैं। मुझे एक चीज़ लगती है कि जब भी पॉलिटिकल गेन में टर्न करने की बारी आती है ना कहीं आप थोड़ा बहुत स्टेटमेंटबाजी में रह जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे लोकसभा इलेक्शन में आपने बोला कि मैं
मोदी के खिलाफ वाराणसी से लड़ूंगा, फिर आप इवेंचुअली आप नहीं लड़े। देखिए जब आपको शायद पता भी था कि हो सकता है, मैं ना, कई लोगों ने आपसे ये सवाल मीडिया में पूछा भी था कि अरे आजाद तुम कहाँ जीतने वाले हो, आपने कहा जीतने की बात नहीं है, ये भी तो उनको पता चलना चाहिए कि कोई है उनके खिलाफ लड़ने के लिए। अब आपने, आपकी जो आजाद समाज पार्टी है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी है आजाद समाज पार्टी, अब आप वो पहले कैंडिडेट हैं जिन्होंने बोला है कि मैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, जो कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, उनके खिलाफ उन्हीं के होम टर्फ गोरखपुर से लड़ूंगा, चुनाव लड़ूंगा। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है, बहुत अच्छी मैसेजिंग गई है, पर क्या सही में आपको लगता है स्ट्रेटेजिकली कि आप जीत पाएंगे वहां से? आई मीन वो बेस्टन रहा है भारतीय जनता पार्टी का। नहीं नहीं, अच्छा सवाल है। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई किसने पूछा। पहली बात तो मैं शुरू से शुरू करता हूँ, पहली बात तो आप छोटी पत्रकार नहीं हो। अच्छा, मुझे नहीं पता कि बड़ा नेता कैसा होता और छोटी पत्रकार कैसी होती। मैं जानता हूँ कि जो तनुश्री ने किया था हाथरस में वो सब लोग नहीं कर सकते, उसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ और आपने मोदी के खिलाफ भी घोषणा की। देखो, मैंने घोषणा की थी और मैं चाहता था लड़ना और मैंने विपक्ष से अपील भी की कि मुझे आप लोग जो है ना संयुक्त उम्मीदवार बना दीजिए। लेकिन देखिए, मैं, मेरा व्यक्तिगत सुख और मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ भी मेरे समाज से बढ़ के नहीं है, इस आंदोलन से बढ़ के नहीं। हम ये चाहते थे कि 4.5 साल में उस समय जो बवाल उत्तर पूरे देश ने झेला, बड़ी बड़ी बातें हुई, 15 लाख देंगे, रोजगार देंगे, 2 करोड़ लोगों को ये करेंगे, इकोनॉमी 5 ट्रिलियन कर देंगे, पता नहीं क्या क्या काम, महिला सुरक्षा पे कर देंगे, अभी कुछ हुआ नहीं। तो देश में गुस्सा था, हमने विपक्ष से कहा कि आप सबसे ताकतवर उम्मीदवार उनके प्रधानमंत्री हैं बीजेपी की तरफ से, आप उनके खिलाफ ताकतवर उतारिए और अगर नहीं उतारते तो आप हमें अवसर दीजिए। लेकिन जब हम उस, क्योंकि हमारी पार्टी नहीं थी, हमारा आंदोलन था, और तब जिनको हम नेता तब तक हमने माना, आज भी मैं उनका सम्मान करता हूँ, आदरणीय बहन जी का, उन्होंने ये ट्वीट किया, आप चेक कर लीजिए, जब आपके घर के बड़े ये कह दें कि भाई अगर आप वहाँ जाओगे तो इससे मोदी को जीतने में आसानी हो जाएगी, वोट का बंटवारा होगा, तो आप मोदी का फायदा कर रहे हैं। तो एक जो आदर्शवादी सिद्धांतवादी व्यक्ति है वो क्या करेगा, मतलब वो इस सिद्धांत पे अपने बारे में सोचेगा कि नहीं मुझे ये करना है, या फिर वो ये सोचेगा कि नहीं मेरी वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वो बात प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लड़ने की, मैंने इसलिए विड्रॉ किया था, मैंने अपने आप को इसलिए अपने स्टेटमेंट से पीछे हटा, जबकि मैं ऐसा नहीं करता हूं। अगर मैंने कह दिया कि मैं कहीं जाने वाला तो मैं जाने वाला, तो सरकार कितना दम लगा, ये हाथरस गवाह है इस बात का और दिल्ली की जामा मस्जिद इस बात की गवाह है कि पूरी दिल्ली की पुलिस और जो स्पेशल सेल रोकने के लिए खड़ी थी, नहीं रुक पाया मैं उनसे। तो मैं इस देश से और जो विपक्ष है उसकी एकता से प्यार करता हूँ, इसलिए, और मैं क्यों चाहता हूँ कि अच्छे लोग सरकार में रहे, इसलिए मैंने विड्रॉ कर दिया कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मोदी जीत जाए। ठीक है, वो और वो बात थी 2019 की। हाँ जी। अब हम 2022 में, बिल्कुल, उत्तर प्रदेश मेरी जमीन है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। हाँ जी। मैंने यहाँ आंदोलन किए हैं, हमने यहाँ लड़ाई लड़ी है, हमने यहाँ तमाम तरह के हर मुद्दे में हम लोग खड़े रहे, और सरकार ने जो भी गलत काम किया उसमें हमने जनता के साथ साथ जाकर लड़ाई लड़ी, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे सीए एनपीआर एनआरसी का मामला हो, मैं अकेला व्यक्ति था जेल गया, तमाम चीजें हुई। आज सब नेता आ रहे हैं, क्या ये 5 साल भी थे सड़कों पर? इनको भी छोड़ दीजिए। मैंने बहुत दिन पहले कहा था, क्योंकि जब मैं आपको याद दिला, लड़ाई की शुरुआत तो उन्होंने की थी, योगी आदित्यनाथ ने। अच्छा। जब मैं निर्दोष होते हुए अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहा था सब्बीरपुर में और मुझे जेल डाला गया, कोर्ट ने मुझे बेल देके कहा कि चंद्रशेखर को राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक उससे प्रेरित होकर जेल में वो क्या नाम मुकदमे दर्ज किए गए, इनको हम बेल देते हैं। फिर मेरे ऊपर रात को ही 3 बजे NSA लगा दी जाती है। मेरी समझ में उस दिन आया कि राजनीतिक सत्ता कितनी ताकतवर होती है, कि एक निर्दोष को आप उसकी हत्या भी करा सकते हैं, उसको मरने के लिए छोड़ भी सकते हैं, उसका क्या नुकसान होगा आपको नहीं मतलब है, मेरे 16 महीने मुझे मुख्यमंत्री नहीं लौटा सकते हैं। उस दिन मैंने तय कर लिया था कि जब मौका मिलेगा, लोकतंत्र का पर्व आएगा 5 साल बाद, तो मैं जरूर जो है उस तानाशाह से टकराने के लिए जाऊंगा। और मैंने ये अब से इतनी 4 महीने पहले जीतू ना जीतू टकराऊंगा, नहीं, नहीं, मुख्यमंत्री जी को मैंने 4 महीने पहले कहा कि वो बताएं कहां से लड़ेंगे। तो पहले जिक्र हुआ अयोध्या से लड़ेंगे, फिर बात आई मथुरा, लेकिन उनकी भी समझ में आया कि वो, क्योंकि अब हमारे पास दल है, मुझे किसी टिकट के लिए जाना नहीं पड़ेगा, अब हम पे अपनी पार्टी का दल है, हमने एप्लीकेशन की, उन्होंने परमिशन दी कि जहाँ से लड़ेंगे वो आप लड़ना। तो मैं जाके मैंने घोषणा कर दी कि मैं लड़ूंगा और मैं हटने वाला नहीं हूँ। मुझे कल ही किसने पूछा कि अगर वो आपको जेल भेज दें जैसे अमिता ठाकुर जी को भेज दिया, तो हमने कहा भेज दें, हम सारे जेल जानते हैं, हम हथकड़ियों से भी डरते, एक क्रांतिकारी के लिए हथकड़ी जो है वो गहना होती है और जेल उसका घर होती है। तो मैं तो शहीद आजम भगत सिंह को नेता मानता, तो मैंने कहा जेल से लड़ूंगा चुनाव,
अब रही बात जीतने की, तो मैं गोरखपुर का इतिहास आपको बताता हूँ। 1971 में टीएन सिंह वहां से मुख्यमंत्री थे, गोरखपुर में ही हारे चुनाव, मुख्यमंत्री रहते। मैंने तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को हारते हुए देखा, राजनारायण सिंह जी ने हरा दिया, वो भी क्रांतिकारी थे। अर्जुन सिंह चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश, उनको बाबू सुखलाल कुशवाहा हमारे नेता रहे, उन्होंने हरा दिया। आप ये समझिए, जनता हराती और जनता जिताती। आप बताओ करेक्ट है क्या 2017 में बीजेपी की तरफ से चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट योगी आदित्यनाथ थे? नहीं थे। ये तो बाद में सदन ने, जो सदन उनका था, उन्होंने चुना। चुनाव तो केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे लड़े थे, समर्थन तो उनके नाम पे मिला था। लेकिन जो उत्तर प्रदेश ने कोरोना काल में झेला, क्या उत्तर प्रदेश के लोगों से भूल जाएंगे? मैंने देखी एक तस्वीर मेरे जहन में आज भी है कि एक महिला अपने पति को मुंह से सांस दे रही थी उत्तर प्रदेश में ऑटो में, वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई। और मैंने ये देखा कि लोगों ने कि उन्हें लोगों के वो बच्चे जो है ना ऑक्सीजन बेड वेंटिलेटर मिले उनके उनके उन्होंने दम तोड़ दिया हाथों में। बहुत सारी बहनें जो हैं वो उनके उनके पति जो है उनसे चले गए, किसी का बेटा चला गया, किसी की बहन चली गई, किसी की माँ, किसी के पिताजी। और गोरखपुर में जो दूसरा कैंडिडेट दिया गया समाजवादी की तरफ से, वो खुद जो है माँ मेरी शुक्ल जी, उनके पति जो पूर्व विधायक है, वो भी इसी कोरोना काल में गए। मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, मैं आशीर्वाद लेने उनसे भी जाऊंगा। लेकिन सच ये है कि हमने अपनों को खोया सब लोगों, और उसके लिए जिम्मेदार थे योगी आदित्यनाथ। क्योंकि जब चुनाव चल रहा था, जब कोरोना आया, तो मुख्यमंत्री जी गए थे बिहार में प्रचार करने पहली लहर में, और जब दूसरी लहर आई तो मुख्यमंत्री जी बंगाल में प्रचार कर रहे। अगर उन्हें उत्तर प्रदेश के लोगों से प्यार ही नहीं, तो गोरखपुर का इतिहास रहा कि जिनको गोरखपुर से प्यार नहीं, गोरखपुर के लोग उनको भी वहीं भेज देते हैं जहाँ से वो आए। इसलिए मैं गोरखपुर लड़ने जा रहा हूँ। और ऐसा नहीं है, मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि लोग मेरे काम को जानते हैं, मेरे संघर्ष को जानते हैं, मैंने हमेशा लड़ाई लड़ी है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आज समाज कहाँ खड़ा है, वो क्या सोच के साथ वोट करता है। क्या वो किसी अयोग्य व्यक्ति को वोट देना चाहता है जिसके शासन में उत्तर प्रदेश बदहाल हो गया? क्या नहीं सहा, नौजवान अगर रोजगार मांगने गए तो लाठी लगी किसने? अगर उनका डॉक्टर कफील खान उदाहरण नहीं है क्या? गोरखपुर में जो मुख्यमंत्री बड़े बड़े वादे करते हैं, क्या जापानी बुखार से वो हर साल नहीं आता और इतने बच्चों की जान नहीं जाती? जो अपने विधानसभा में लोगों की मदद ना कर पाया, वो बड़े बड़े दावे करे, ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है। और कितने ताकतवर हैं कि उनके मुख्य सचिव भी दिल्ली से डिप्यूट होते हैं, उनको पता भी नहीं होता, उनको दफ्तर में आकर पता लगता है कोई मुख्य सचिव जो रिटायर। ये सब बातें तो आपको पता है, आपको लगता है ग्राउंड पे लोग जब वोट देने जाएंगे गोरखपुर, जो कि एक बहुत बिल्कुल बात सही है, देखिए जनता का कुछ नहीं कह सकते, लोग हारे भी हैं, डेफिनेटली हारे हैं, पर आपको लगता है, सच्ची मुझे बताइए, मन का आंसर बताइए, ऐसे नहीं बना बनाया नहीं, मन से बताइए, आप गोरखपुर में कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, आपको लग रहा है आप जीत जाएंगे? सिंपल यस और नो, जब अकेले आप सोते हैं ना, क्या लगता है कि ठीक है जीत जाऊंगा? देखो मैं बहनों से झूठ नहीं बोलूं, हाँ सच में नहीं बोलिए, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ योगी आदित्यनाथ हो सकता है कि चुनाव से पहले चुनाव ना लड़ने की बात कह दें, और हो सकता है अगर चुनाव हो तो योगी आदित्यनाथ चुनाव हार जाए। और मुझे भरोसा है कि मैं चुनाव जीतूंगा। मैंने हवा हवाई घोषणा नहीं की, हम पे संगठन है वहाँ, हमने वहाँ काम किया है, वहाँ के इश्यूज को मैंने उठाया है। अनीस कन्नौजिया की हत्या हुई थी, मैं गया था, कई ऐसे मामले हैं जिसमें मैंने बढ़ चढ़ के वहाँ हिस्सेदारी ली है, और लोगों में मेरे प्रति विश्वास, हमारा संगठन वहाँ काम कर रहा है। मैंने कल ही वर्चुअल रैली की है, सारे बूथ पे हमने कमेटियाँ बनाई हैं, हम लोगों से संवाद कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि ये आपको बताया चंद्रशेखर, लेकिन वो जो मैं अकेला चुनाव नहीं लड़ूंगा ना, वो जो तमाम लोग वहाँ यूनिट के लोग काम कर रहे हैं, वो हमारा मैनिफेस्टो लेके जा रहे हैं जनता के बीच। पब्लिक सपोर्ट है आपका ग्राउंड पे? वो रिजल्ट के साथ ही तय हो जाएगा जब मैं वहाँ जाऊँगा, आप देखना। हम यहाँ एजुकेशन पे बड़ा काम करेंगे, कोई जाति धर्म का व्यक्ति हो उसके लिए शिक्षा जो है, वो जो विद्यार्थी है उसके लिए शिक्षा, हम लोग चाहे अकेडमिक हो, चाहे वो टेक्निकल हो, और चाहे वो प्रोफेशनल हो, वो सारी एजुकेशन फ्री करेंगे। तो क्या लोगों के लिए मुद्दा नहीं है? आप स्टेट में एजुकेशन फ्री कर देंगे? हाँ, ये हमारे मैनिफेस्टो में है, मैं तो शपथ पत्र दे रहा हूँ। जब ये होगा, आम जनमानस को उसका लाभ मिलेगा। नौजवान क्या चाहता है? ये सब बोलने वाली बातें होती हैं कि पूरा स्ट्रेटेजिकली प्लान होता है कि ये रहा बजट, ये होगा ऐसे, और हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है कि एजुकेशन को उत्तर प्रदेश में फ्री कर दिया जाए। हाँ, पॉसिबिलिटी है। 1,62,00,000 रुपए एक दिन के प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे खर्च होते हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ नेताओं को अगर जो सुविधाएं दी गई ना, अगर उनको ही हम लोग थोड़ा कटौती कर देना, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। उससे भी आगे बढ़िए, देखो सभी नेताओं का इलाज जो है मुफ्त होता है, और अधिकारियों का इलाज मुफ्त होता है, तो आम जनता क्यों नहीं मिल सकता है भाई? एक तो रोजगार नहीं है, ऊपर से महंगाई की मार है,
तो हमने तय किया है कि सभी का फ्री इलाज करेंगे, जैसे इनको मिलता है तो उनको आम जनमानस को मिलना चाहिए, क्योंकि सरकारें किन के लिए, उन्हीं के लिए तो है। तो जो बुनियादी काम होने हैं उनको हम करके दिखाएंगे, और ये हमारा संकल्प है, ये हमारा वही सपना है जिसको सपने को लेके हम चले थे बहुत दिन पहले। उसके अलावा जैसे हम देते हैं, आप गाड़ी खरीदने जाओ तो आप वहां सेस भी दोगे और रोड टैक्स भी जमा कराओगे, फिर आके आप टोल टैक्स भी दोगे, अगर आपके फास्टैग नहीं होगे तो दुगना दोगे, नहीं दोगे तो फिर आपको वहां टोल टैक्स पे बेइज्जत करेंगे, आपकी गाड़ी तोड़ देंगे, आपको पीट देंगे। तो हम लोग टोल टैक्स फ्री करेंगे, आम जनता को फायदा नहीं होगा इसका। हम लोग जो हैं, जो टोल टैक्स के साथ साथ जो एक्साइज ड्यूटी है उसको हम लोग कम करेंगे, जिससे कि पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते हो जाएंगे, तो हम वो करेंगे जो हो सकता है। आपको लग रहा है आपने ये दो बहुत बड़ी बातें बोली, एडुकेशन और हेल्थ केयर, आप इसको मुफ्त कर देंगे पूरी जनता के लिए उत्तर प्रदेश में, ये हो सकता है सच में? ये बहुत आसान बोलते है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी, हमको कहां यकीन, तभी तो मैं उनसे कह रहा हूं कि उन पॉलिटिकल पार्टी भरोसे अभी भी मत रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर हो सकता है, देखो उनको करना नहीं है, अगर कर रहा उसका कारण है, अगर वो कर देंगे और ये हो जाएगा तो फिर इन नेताओं की जरूरत क्या पड़ेगी आम जनता को, फिर ये वोट किस बात पे मांगेंगे? तो ये आप नहीं सोचते, ये सेम पॉइंट, अगर मैं वोट की चिंता करता तो गोरखपुर क्यों जाता, मैं तो लड़ने के लिए जा रहा हूँ कि हम लोगों को लड़ना सिखा दें, ये डेमोक्रेसी है, जहां से प्रधानमंत्री लड़ते क्या उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं लड़ते हैं? तो जैसा मैंने आपको कहा, मैं गोरखपुर से आपका कॉन्टेस्ट करना इलेक्शंस, वोट डिवाइड नहीं करेगा, सपा बीएसपी को कुछ नहीं करेगा, बीजेपी को नुकसान करेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, हाँ देखो, सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, तो विपक्ष ने उनके खिलाफ कितना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतारा ये भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, उनके खिलाफ दावेदारी कौन कर रहे हैं, अखिलेश जी कर रहे हैं, इधर बहन जी कर रहे हैं, इधर कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो कर रहे हैं, तो ये क्यों नहीं चले जाते लड़ने, ये जाए लड़ने, कहें देखो भाई हम कहां से, गोरखपुर से, हाँ तो यही तो उनका, यही तो उनका पूरा पॉइंट है ना, कि हम लोग वहां से लड़ेंगे ना जहां से हम लोग, हमारा जो जहां गढ़, जो हमारा मजबूत गढ़ है, हम तो यानी मैसेज देने के लिए थोड़ी ना गोरखपुर से लड़ने लग जाएंगे, गोरखपुर गढ़ है ही नहीं कि उत्तर प्रदेश में आपका गढ़ों में ही आपका प्रभाव वहीं से। मैं नहीं कह रही, मैं तो लड़ी नहीं रही हूँ। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं, अखिलेश जी मेनपुरी से कंटेस्ट करने जा रहे हैं, अपना दिल बहुत बड़ा और साफ भी है, तो हमें तो पूरे प्रदेश में विश्वास पैदा करना है। हाँ। हम वहां जा रहे हैं, विश्वास करो आप, इसलिए ना मुझे कमजोर आक सकती हो, मैं आपको भी कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी मुख्यमंत्री का बेटा नहीं हूँ, किसी प्राइम मिनिस्टर का बेटा नहीं हूँ, मैं 2-4-6 बार विधायक नहीं रहा, एमपी नहीं, इसलिए तो आप मुझे कमजोर रख सकते हो, लेकिन क्या मेरी आप मेहनत से मुझे कमजोर रख सकते हो, क्या मेरे कार्य से, मेरी क्षमता से आप मुझे, वो एक जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हुआ और गांव से आया हुआ एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा, वो टाइम्स मैगजीन में अपनी पहचान बनाता है और वो देश में के हर इशू पे खड़ा होकर बोलता है, वो लड़ता है, तो इस पहचान को नकार दोगे आप? नहीं, इसको कोई नहीं नकार सकता, और ये हमने अपनी मेहनत से कमाई है, ये विरासत में नहीं मिली, इसलिए आप कमजोर आकेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब मैं आया था ना तब भी मैं अकेला था, और फिर हमने अपनी जो को तैयार किया, अपने साथियों की और अपनी मेहनत से तैयार किया, अभी हमारे में आजाद समाज, अब भी हम जाएंगे गोरखपुर, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सताए गए होंगे गोरखपुर में इसी सरकार और इसी सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा, और वो इंतजार कर रहे होंगे वो माएँ वो बहनें कि कोई उनका भाई कोई उनका बेटा आके उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाए, उनको न्याय दिलाए। जब चंद्रशेखर वहाँ जाएंगे उनका विश्वास मजबूत होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि चंद्रशेखर कुछ भी कर सकता है, कोई भी बात हो जाए, लेकिन वो झुकेगा नहीं। मैं ये जानना चाह रही हूँ आपके हिसाब से बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या है? बहुत दिन लोग इसके भरोसे रह लिए हैं, धर्म के भरोसे। धर्म रोजगार नहीं देता है, धर्म पेट में खाने के लिए रोटी नहीं देता है, धर्म इलाज नहीं करवाता है। जब इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है ना, धर्म जो है आपको, आपको धर्म जोड़ने के लिए होता है, तोड़ने के लिए नहीं होता है। आप धर्म का मिसयूज कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ना, आप मिसयूज कर रहे हैं धर्म का, आप धर्म के नाम पे सियासत कर रहे हैं, जबकि बहुत बड़े बड़े थिंकर्स ने कहा, एक्सपर्ट ने कहा कि धर्म का यूज सियासत में नहीं होना चाहिए, वरना देश कमजोर पड़ जाएगा। आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, आप भाइयों भाइयों में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ इस देश में हिंदू मुसलमान इकट्ठे होकर रहते हैं, उनको बांटने का काम कौन सी पार्टी कर रही है? उससे भी बड़ी बात, जब लोग, आम जनमानस जब अपने जीवन को देखता है कि पिछले 5 साल में रोजगार कहाँ पहुँच गए हैं, महंगाई कहाँ पहुँच गई है, भ्रष्टाचार कहाँ पहुँच गया है, और तमाम तरह से जो बुनियादी सुविधा थी वो कहाँ पहुँच गई है, तो वो अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस जिसके ऊपर बीती है उसको पता है, वो तो अवसर का इंतजार कर रहा है कि जब आए वो चुपचाप अपना काम करके बताए कि वो कितना किससे प्यार करता है और कितनी नफरत करता है, ये कितना उसके अंदर गुस्सा है। नहीं भूलेंगे लोग, विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो जनता को
परेशानियां थी वो याद दिलाते रहे। भारत पे एक सर्वे है कि 3 महीने में लोग यहाँ भूल जाते हैं। भूलते वही ना, मैं चंद्रशेखर आजाद नहीं भूलने देंगे गोरखपुर के लोगों को, ना ही उत्तर प्रदेश के लोगों को। मुझे आप जाने तो दीजिए, मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्यमंत्री जी को समझ आ जाएगा कि चुनाव कैसा होने वाला है। अच्छा, तो अभी तो काफी कम दिन बचे हैं। इसी हफ्ते जा रहा हूँ। अच्छा, आपने ले नहीं है कभी मायावती जी से? नहीं, इस आंदोलन से पहले तो मिला हूँ। अच्छा, मिले? हाँ, लेकिन अब जो है जैसा मैंने आपको बताया कि तो क्या बात हुई मिलके? नहीं, तब तो मैं उनकी पार्टी कार्यकर्ता था, वो हमारी सर्वोच्च, आज भी हमारी नेता। मैं उनको कभी ऐसा नहीं कहूंगा कि वो नेता नहीं, नेता है। लेकिन आज क्या है कि आज वहाँ सारी पॉलिसी सतीश चंद्र मिश्रा जी तय करते हैं, आज वहाँ जो है सारे टिकट सतीश चंद्र मिश्रा जी तय करते हैं। और मैं समझता हूँ जब कोई नेता शिकंजे में फंस जाता है तो फिर वो समाज के लिए हानिकारक हो जाता है। देखो, मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो गई गुजरात दंगों के बाद भी प्यार वो गुजरात प्रचार करने, तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, उन्होंने अच्छा काम किया, मैं उनका सम्मान करता हूँ। पर अब नहीं कर रहे, आज लड़ाई जो है ना, आज लड़ाई मजबूत होगी और उनको हमारे लोगों को लड़ने वाले लोग जरूरत है, और वो नहीं लड़ने वाले लोगों में से हैं। अब नहीं लड़, एक उम्र के साथ भी होता है, काफी उम्र भी हो गई है। अच्छा, उम्र भी। अब मैं समझता हूँ कि उनके भतीजे ने, मतलब चंद्रशेखर आजाद ने, वो तो भतीजा नहीं मानती, उस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठा लिया। अच्छा, मुझे विश्वास है आज नहीं तो कल। कंधों पे आपने अपनी मर्जी से उठा लिया। कांशीराम साहब ये कहते थे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते, तो मैं अगर इस इंतजार में बैठा रहा हूँ कि जब वो बिल्कुल उधर से कुछ जीरो हो जाएगा तभी हम करेंगे, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मुझे कोई एक पार्टी बताइए आपके हिसाब से जिन्होंने सच में सबके लिए काम किया हो उत्तर प्रदेश में, चाहे वो दलित हो, चाहे वो कोई अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग हों, चाहे वो ठाकुर समाज हो, चाहे वो राजपूत हो, कोई सरकार बताइए मुझे पिछले आपको आपके हिसाब से। अगर बहुत अच्छे अनुभव मेरे इन सरकारों के होते तो मैं इसको अच्छी बनाने के लिए ना था। अच्छा, तो आपको लग रहा है किसी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे वो सपा हो। एक कहावत है कि अगर आपको नाला साफ करना तो आपको नाले में उतरना पड़ेगा। बिल्कुल, मुझे जिन चीजों से परेशानी है, या मैं समझता हूँ कि ये परेशानी हर व्यक्ति को, परिवारवाद, विरासत, फिर मुद्दों आधारित राजनीति, फिर व्यापार पर आधारित राजनीति, कॉरपोरेट सेक्टर को बढ़ावा, तमाम तरह से आम जनमानस के मुद्दों को भूल जाना, झूठे विज्ञापन, झूठे जो है अखबार में बड़े बड़े जो है पोस्टर छपवाना, झूठे जो है मैनिफेस्टो जारी करना, चुनाव के बाद जनता अगर आपको मिले तो उनसे कह देना अगली बार वोट मत देना, इन्हीं से मुझे एलर्जी, इन्हीं से मुझे मेरी लड़ाई है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास किया गया था, सब लोगों ने अपने अपने जो जिसको आया उसने थोड़ा थोड़ा प्रयास किया, लेकिन बड़े पैमाने पे काम नहीं हुआ, उसको करने के लिए हम यहाँ हैं। और मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ उनकी सोच इतनी रही होगी। सपन के टाइम पे भी आपको लग रहा है कि नहीं कुछ हुआ? मैं यहाँ किसी पार्टी का प्रचार करने के लिए नहीं बैठा। ठीक है, नहीं तो मुझे एक बात कर रहा हूं। नहीं, सवाल है, हमारा निशान केतली है और हमारी पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी है, और हम आजाद समाज पार्टी के विषय में ज्यादा बताने के लिए अभी सक्षम है। तो आप जब बोल रहे हैं कि ना ही मायावती जी की पार्टी ने कोई काम किया, जब सपा ने भी नहीं किया, तो आप उनके साथ अलायंस क्यों बनाने फिर चले थे? फिर कल को तो आप बीजेपी के साथ भी अलायंस बना सकते हैं। तो देखिए, जिनसे संघर्ष होता है उनसे समझौता नहीं होता, और जिनसे समझौता उनसे संघर्ष नहीं होता, तो उनसे जो गलती है तो उनको सुधारने के लिए तो उनके साथ जा रहे थे। तो ऐसे तो आप कल को बोलेंगे कि बीजेपी से जो गलती हुई है उनकी गलती सुधारने के लिए उनके साथ जा रहे हैं। बीजेपी सुधार नहीं सकती है ना। जो लोग इस देश के तिरंगे का सम्मान ना करते हो, जो लोग इस देश का सम्मान ना करते हो, इस देश की जन भावनाओं का सम्मान ना करते हो, जो सत्ता मिलने पर तानाशाह हो जाते हो, जो इस देश के व्यक्तियों को आज भी अछूत समझते हो, जैसे मुख्यमंत्री ने अभी खाना खाया दलितों के साथ, फोटो खिंचवा के वायरल किए, जबकि वो दलित जो बीजेपी का ही कार्यकर्ता है, और कहे कि देखो साहब, ये आपका क्लेम है कि सही में आप फैक्चुअल बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूं। आपने पता किया? हाँ, बीजेपी कार्यकर्ता कई बार खा चुके हैं उसके खाना, जब चुनाव आता है क्या जाता है खाना। इस बार योगी आदित्यनाथ जी ने दलितों के साथ खाना खाया है, हाँ, 3 दिन पहले। आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी कार्यकर्ता है और कई बार पहले भी खा चुके उसके घर पे, चुनाव के समय जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसका संदेश क्या है कि आज भी देखो आप उनको अछूत नीचे दर्जे के लोग समझते हैं, और उनके साथ बैठे खाना खाने में आपने साबित करे कि देखो भाई हम समानता को मानते हैं, देखो हम भाई इनके साथ बैठे खाना खा रहे हैं। दलित ना आपसे खैरात चाहता, ना आपके भरोसे बैठा, और ना ही दलित इतना कमजोर है संविधान की वजह से, कोई भी व्यक्ति इतना कमजोर है कि वो आपको खाना खिलाने में गौरवान्वित महसूस करे। तो मैं समझता हूँ
उनके हिस्से का खाना खाने के बजाय बीजेपी आरएसएस के लोगों को, योगी आदित्यनाथ को, उनकी तरक्की के रास्तों पे काम करना चाहिए, जो उन्होंने नहीं किया। अच्छा एक बात बताइए, आप बोलते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, ठीक है, मतलब रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन में जितना जिसका रिप्रेजेंटेशन है उसको उतना मिलना चाहिए, तो ये आप इंश्योर कर रहे हैं अभी जब आपने टिकट दिए अपने कैंडिडेट्स को? डैम श्योर, चेक कीजिएगा तो आपको मिलेगा। अच्छा महिलाएं कितनी है बड़े पैमाने पर? देखिए हुआ क्या है ना, हमारे यहाँ जो बहुजन समाज की महिलाएं वो ज़्यादा तैयार नहीं हुई हैं अभी, इसलिए तैयार नहीं हुई क्योंकि लंबे समय से आज भी उनको अभी जो महिलाएं राजनीति कर रही हैं, आपको मिलेगा 1% ऐसी महिलाएं जो व्यक्तिगत मेहनत करके आगे बढ़ी, या फिर वो बढ़ी कैसे कि उनका उनके पति राजनीति करते हैं, उनके पिता राजनीति करते हैं, या उनके देवर जेठ राजनीति करते हैं, या फिर उनके पारिवारिक राजनीति चली जा रही, वही लोग बढ़े हैं। एक आधा उदाहरण जैसे बेंजी जैसा, मायावती जैसा उदाहरण आपको, वो संघर्षशील का उदाहरण बहुत कम मिलेगा, इसलिए मैं समझता हूँ कि वो धीरे धीरे तैयार हुई, और जितनी तैयार हो गई हैं उतनी बहनों को हमने संगठन में भी और आगे बढ़ाने का काम टिकट दिया है। 32 लोगों का अभी आपने लिस्ट जारी किया है, उसमें मैंने मैंने बताया ना कि जहाँ जहाँ हम पे, क्योंकि हम एक गलत फहमी में रहे गठबंधन की, तो उस वजह से हमारा काम थोड़ा पीछे गया। हमने प्रयास किया कि जहाँ जहाँ जो भी बहन तैयार होगी और वो लड़ना चाहती है, हमारे यहाँ आवेदन चेक कराएंगे, जिसने आवेदन किया है तो हमने प्रायोरिटी दी है कि उनको लड़ाओ और उनके लिए मेहनत करने में खुद जाऊंगा। अभी 32 में से कितनी महिलाएं हैं जो पहली लिस्ट है? वो लिस्ट जो है वो जारी की गई है हमारी पार्टी के द्वारा। उसमें से तो कोई मेरे, मैं जिनसे मिला है, देखो अकपुर काजी से हमारी महिला कैंडिडेट है, और बरेली से हमारी महिला कैंडिडेट, बरेली सदर से, मैं दोनों बहनों का नाम तो नहीं जानता, नहीं नाम नहीं बताया, तो ये दो हुए अब तक। हाँ मैं यही कह रहा हूँ, मेरठ में, मेरठ दक्षिण में हमारी महिला कैंडिडेट है कुसुम जी, उनसे तो मैं व्यक्तिगत मिला, मैं मेरठ गया था। तो जहां जहां तैयार हो गई हैं और वो लड़ना चाहती हैं, हमने हाथ आगे बढ़ा के उनको कहा है कि आइए और हम पीछे खड़े होकर राजनीति में आपके सहयोग करेंगे। आपकी पार्टी, आपका संगठन, विदाउट अलायंस बताइएगा, स्मॉलर पार्टीज को हटा के बताइए, आपका संगठन कितना बड़ा है, कितने लोग हैं थोड़ा बताइए, और कैसे लोग हैं? मतलब देखिए कहीं ना एक थोड़ा बाहर से एक नोशन है, ओपिनियन है कि अच्छा भीम आर्मी एक्टिविस्ट हैं, 4-5 लड़के लोग ले आए, लड़ रहे हैं, स्लोगनरिंग कर रहे हैं, पॉलिटिकल एक्यूमेंट कितना है आपके लड़कों में? हमने तो पढ़े लिखे लोगों को ही आगे बढ़ने का अवसर दिया है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि हम जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे, जैसे कुछ लड़के हैं आगे हैं, ये कहना आसान है क्योंकि परिवर्तन आपको अच्छा नहीं लगता है। कोई महिला खड़ी होगी आपके सामने और अपने हकों की बात करेगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा पुरुष प्रधान देश को, या कोई जो नीचे से उठ के आ जाएगा तो वो बड़े बड़े राजनीतिक दलों को और बड़े बड़े एक्सपर्ट को अच्छा नहीं लगेगा। कोई अगर मेहनत करके अच्छी पत्रकारिता करके आगे बढ़ जाएगा तो ये अच्छे अच्छे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि हम जिला पंचायत चुनाव में जीते, देखो हम मुजफ्फरनगर जीते, उत्तर प्रदेश का कोई जिला बचा हुआ जिसमें हम नहीं जीते, तो वोट तो हमें जनता ने दिया। तो मैं इस बात को इंश्योर करता हूँ कि हमारी मेहनत पे उन्होंने वोट दिया और उनका विश्वास हमें, और फिर उस जिला पंचायत के बाद एक साल हमने और मेहनत की है, तो वो प्लस ही हुआ है, माइनस तो नहीं हुआ है क्योंकि हमने काम किया है। मुझे फटाफट से आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी 3 परेशानियां बताइए आज की डेट में, और उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बता दीजिए। देखिए सबसे बड़ी परेशानी है नौजवानों के साथ। अच्छा, कि वो पढ़ लिखे, जैसा अभी आपने कहा ना कि पढ़ाई लिखाई, वो पढ़ाई लिखाई करके तैयार हुए घूम रहे हैं, जो उनको करना था वो कर लिया, लेकिन सरकार ने उनको रोजगार नहीं दिया, बेरोजगारी बढ़ रही, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, हमने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया कि 20 लाख सरकारी नौकरी और 80 लाख रोजगार जो है ना, हम अपने अपनी सरकार आने के लोगों को देंगे। ठीक है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात जो है शिक्षा और हेल्थ, जो मैंने आपको कहा कि इन दोनों कमी से बहुत सारा नुकसान हो रहा है, इन पे बुनियादी काम होना जरूरी है, इसके लिए किसी को अपना घर बेचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इन पे बड़ा काम दोनों पे होना चाहिए। और ये इसकी इस प्रदेश की नहीं पूरे देश की बुनियादी समस्या है कि आज एक तरफ प्राइवेट स्कूल खड़े हो गए हैं तो एक हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया है कि भाई देखो गरीब वर्ग के लोग हैं जो बच्चे वो यहीं पढ़ेंगे प्राइवेट स्कूल में, ये यहाँ पढ़ेंगे, पैसे वाले लोग आगे बढ़ेंगे, ये लोग इसका इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, ये जो बाउंडेशन बना के रोका गया इसको काम खत्म करना चाहिए। तो एक ही लाइन में बड़ा मुद्दा शिक्षा और हेल्थ, इस पर बुनियादी काम, इसका बुनियादी स्ट्रक्चर, इससे आम आदमी को लाभ मिले, ये होना चाहिए। तीसरा, महिला सुरक्षा को और महिला सशक्तिकरण पर काम होना चाहिए। यहाँ जब पुरुष रात को 12 बजे निकल सकते हैं तो इस देश की बेटियाँ, इस प्रदेश की बेटियाँ भी रात को 12 बजे निकल सकती हैं, और वो भी उनकी ज़िंदगी के फैसले वो स्वयं करेंगी, वो क्या करना चाहती है इसका फैसला कोई और नहीं लेगा। तो उनके सशक्तिकरण पे काम होना चाहिए और उनको अवसर मिलना चाहिए, उनका विश्वास बढ़ना चाहिए कि ये देश प्रदेश को उनका उनकी भागीदारी होनी चाहिए।
जो महिलाएं जिनको ये कह के नकार दिया था कि इनको शादी के बाद घर पे खाना बनाना है, बच्चे पालने, उनसे उस बात से आगे बढ़ के उनकी जिंदगी के फैसले वो खुद करें। कैसे, सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन है ना, महिलाओं में सशक्तिकरण, महिलाओं को जो है ना इसके लिए तैयार करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, और हमें इस समाज में थोड़ा सा बदलाव, पुरुष प्रधान समाज को भी ये बताना पड़ेगा कि महिलाएं जो हैं वो आपके वो दोयम दर्जे की नागरिक नहीं है, उनको भी इतने राइट है जितने आपको हैं। और सबसे जरूरी काम इस देश में संविधान के आधारित पॉलिसियां बने और संविधान पूर्ण रूप से लागू हो, हिटलर टाइप बंद हो, फासीवाद बंद हो, इस पर भी काम होना जरूरी है। क्योंकि कहते हैं देश संविधान से चल रहा है, नेता संविधान से काम करते हैं, पूरा सिस्टम संविधान से है, लेकिन ना तो किसी नेता ने संविधान पढ़ा है, ना ही किसी अधिकारी ने संविधान पढ़ा है, ना भी आम आदमी को उस अपने अधिकार पता है, ना ही उसके कर्तव्य पता है। जब नहीं पता तो करेंगे कैसे? हम हेलमेट क्यों पहनते हैं? पुलिस चालान ना काटते? हमको ये थोड़ा पता है कि इससे जीवन सुरक्षा होगी? हमें बुनियादी चीज़ों पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी हैं, संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक कर्तव्यों को बताना पड़ेगा, तभी तो जाके लोग जो है ना एक दूसरे से जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे। इस पे काम होना जरूरी है, जिसको नकारा गया। जॉब्स, आप जॉब्स कैसे लाएंगे स्टेट में? जॉब्स मैं फिर आपको बता दूं कि जॉब्स तो हैं, बैकलॉग इतना पड़ा हुआ है, और तमाम तरह से जितने सरकारी सिस्टम थे उसको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, जानबूझकर खत्म किया जा रहा है। क्योंकि जब ये सरकारी सिस्टम खत्म हो जाएगा तो सरकारी नौकरी के लिए नौजवान सड़क पे आके अपनी बात नहीं रखेगा। अभी आप देखिए, पेपर होता है इसी उत्तर प्रदेश में तो सबसे पहले लीक हो जाता है, लीक हो जाएगा तो फिर उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसको नहीं पालन करेंगे, अपने लोगों को चुपचाप दे देंगे पिछले दरवाजे से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमने एक पॉलिसी हम लाए थे, ये तो सरकारी रोजगार वो तो है ही है, जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें हैं, बैकलॉग है और नई नियुक्तियाँ जो हैं, ठीक है, हर सरकार करती है। उसके अलावा उससे आगे बढ़ के जैसे हमने कहा कि जो बंजर भूमि है, जो हर ग्राम पंचायत में 200 बीघे 400 बीघे पड़ी हुई है, उसको उससे हम जो है रोजगार पैदा करेंगे, उनको हम आम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो जिनको जरूरत है, जो बेरोजगार है, जो शोषित समाज से आते हैं, जिनके पास आर्थिक संसाधन है और जिनके पास रोजगार का काम, उस पर हम मेडिसिन प्लांट गवर्नमेंट के से ऐड दे के या इस तरह से चीज़ें जो है ना उस पर डेवलप करेंगे, वहाँ से उसको वो एक्सपोर्ट होगा, उससे दवाइयाँ बनेंगी, तो तमाम तरह से हम रोजगार के अवसर वो कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता दूंगा तो विपक्ष के लोग जो हैं इसी को वो कर लेंगे और इसी पे कह देंगे कि हम ऐसे रोजगार देंगे, तो हमने तो बनाया है, जो हम कह रहे हैं उससे रोजगार दे सकते हैं, हमने बनाया है कि किस तरह से रोजगार देना, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमने जो हम कर सकते हैं वही हमने बनाया। हम ये नहीं कह रहे कि 15 लाख दे देंगे, कहाँ से दे देंगे 15 लाख, लेकिन हाँ हम हर व्यक्ति को 5,000 रुपये महीना जो शिक्षित बेरोजगार है उसको दे सकते हैं। आपका चश्मा आजकल नहीं दिख रहा है, एक अच्छी एकदम शुरू में जब आए थे तो ये राउडी लुक था आजाद का, चंद्रशेखर आजाद का, और अब ये स्पेक्स पे आ गए आप, कहाँ है चश्मा, कहाँ है जिम्मेदारी, जिम्मेदारी बढ़ गई है। नहीं, थोड़ा तो एक बार फिनिश में तो लगाना ही चाहिए चश्मा, थोड़ा लगा। दूसरा जो है ना, आपने कहा कि स्पेक्टिकल्स पे आ गए हैं, तो समस्या ये हुई कि जेल में रहने का एक बड़ा नुकसान ये है, क्योंकि एक ही रंग की दीवारें होती हैं और लगातार मैं तो आपको सामने में तो रहा तन्हाई में 16 महीने, तो आई साइड वीक होती है, तो मेरी आई साइड वीक हो गई है, तो इस वजह से मैं वो धूप की वजह से तो लगा लेता हूँ। तो मैंने प्रयास किया है कि भाई मैंने ये सनग्लासेस जो हैं आई साइड वाला ही बनवा लिया है, जिससे ना अगर धूप हो तो ये ब्लैक हो जाता है। ये तो वो रईस मूवी में शाहरुख खान वाला सनग्लास लग रहा है, ये कि काला हो जाता बाहर, ये चंद्रशेखर आजाद का सनग्लास है। और जब ये छांव होती है तो इससे आसानी से मैं अपनी जो डॉक्यूमेंट्स उनको साइन कर पाता हूँ, पढ़ पाता हूँ। अरे बाहर काला हो जाता है, काफी स्टाइलिश है, स्टाइलिश है। हम स्टाइलिश नहीं, मैं समझता हूँ कि ये तो सबको, सबके अधिकार है, सब आपको भी लगाना चाहिए। हाँ नहीं बिल्कुल, मैं तो लगाती हूँ, मैंने देखा आपको भी कहीं इंटरव्यू में, अभी आप भी लगाते हैं, तो सब लगाते हैं, अच्छा है ना। तो जो भी आपको जिस चीज से सहायता हो जाए, नहीं बिल्कुल सही बात है, वो आपको तो यूज करना। अच्छा सर्दी है, अब आप उससे कहो कि आप हाफ शर्ट पहन के घूमो तो ये तो बेवकूफी हुई ना, तो आपको जैकेट पहननी चाहिए जिससे आपको फायदा हो, तो इससे मुझे पढ़ने में आसानी होती है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर आजाद हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं भी आपका बड़ा प्रशंसक हूँ आपके काम की वजह से। अरे सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया।